सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि चार्जशीट किस सूरत में और कितने दिनों के भीतर दाखिल की जाती है। किसी भी केस में छानबीन पूरी करने के बाद पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की धारा 173 में चार्जशीट दाखिल करते हैं। जिस केस में कम से कम 10 साल कैद और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद या फांसी का प्रावधान हो, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करनी होती है, नहीं तो आरोपी को जमानत मिल सकती है। इसके अलावा दूसरे मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। ऐसा ना करने पर आरोपी को जमानत दिए जाने का प्रावधान है। आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर पुलिस द्वारा मामले की जांच कराई जाती है। जांच में यदि आरोप सही पाया जाता है तो मुकदमा पंजीकृत होगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार जांच अधिकारी को है। यदि जांच अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप सीओ, एएसपी, एसपी से शिकायत कर सकते हैं। इसके बावजूद भी सुनवाई ना होने पर आईजी से शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि चार्जशीट कितने दिनों में दाखिल की जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और साथ में ही कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे लॉ रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं।